हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल पूजा टुडे कंप्यूटर क्लास। लेट डिस्कस आवर न्यू टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ यूजर्स इन लिनक्स। मींस आपके मैंने आपको लिनक्स सिस्टम पढ़ाया था, लिनक्स सिस्टम में कितने तरीके के टाइप्स होते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ फीचर्स ऑफ लिनक्स, पार्ट्स ऑफ लिनक्स आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब आपका ये न्यू टॉपिक है कि आपके जो यूजर्स होते हैं लिनक्स में वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली देयर आर फोर टाइप्स ऑफ यूजर्स, ठीक है। आपके फोर टाइप्स ऑफ यूजर्स होते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, फाइल ओनर, ग्रुप ओनर एंड अदर यूजर्स। क्लियर, ये फोर टाइप्स के आपके यूजर होते हैं। अब देखिए इनको डिटेल में, इनका सभी का मीनिंग क्या क्या है और ये क्या काम करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, देखिए, इट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। मीन्स जो आपका जो सिस्टम है, ठीक है, उसके जो ऑपरेशन को जो परफॉर्म कराता है, बेसिकली जो सिस्टम का मतलब पूरे सिस्टम पर जो कंट्रोल करता है, दैट इज योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये इसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल किस लिए, ये स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, ताकि आपका जो सिस्टम है वो क्या कर सके, स्मूथ ऑपरेशन फ्लो कर सके। मीन्स आपका जो सिस्टम है पूरी तरीके से जो कमांड होती है कंट्रोल होने की, आपका डेटा किस साइड जाना है, किस तरफ से आना है, तो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, दैट इज योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ही क्रिएट्स यूजर्स एंड ग्रुप यूजर फॉर द सिस्टम। मीन्स ये क्या कर सकता है, ये ग्रुप को भी क्रिएट कर सकता है और किसको क्रिएट कर सकता है, फाइल को भी क्रिएट कर सकता है, एंड टेक बैकअप टाइमली टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ डेटा। और क्या करेगा ये, टाइमली क्या करता है, आपके सिस्टम का बैकअप लेता रहता है। क्यों, क्योंकि किसी भी टाइम अगर आपके सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाए या उसमें कोई फॉल्ट हो जाए तो आपके डेटा का लॉस ना हो। तो इसलिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके डेटा का टाइमली क्या करता रहेगा, बैकअप लेता रहेगा, कि अगर आपका सिस्टम बीच में डैमेज हो जाता है या फिर उसमें कोई फॉल्ट हो जाता है तो आपका डेटा लॉस ना हो। द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज ऑल्सो नोन एज रूट यूजर। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ पार्ट्स बताए थे उसमें आपको रूट बताया था मैंने, तो रूट आपकी मेन डायरेक्टरी होती है। तो बेसिकली वो यही कह रहा है, इसको हम किस नाम से बोलते हैं अधिकतर, रूट यूजर, एंड दे हैव ऑल द राइट्स फॉर द लिनक्स सिस्टम। लिनक्स सिस्टम के, लिनक्स सिस्टम पर काम करने के लिए जितने भी राइट्स होते हैं, जो भी काम करने होते हैं, वो सारे राइट्स किसके पास होते हैं, हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से समझा सकती हूँ, हमारा कॉलेज है, हमारे कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल मैम को सारे राइट्स हैं, ठीक है। वो हम लोगों की टीम को डिवाइड कर देती हैं, हम लोगों को मेंबर्स को ग्रुप बना देती हैं, क्लास अलोकेट कर देती हैं, सारी चीजों को वो ध्यान में रखती हैं। तो इसीलिए सेम ऐसी आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और आप लोगों का टाइमली रिकॉर्ड लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, कि कभी भी उसको मांग सकते हैं। तो सेम ऐसी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो आपका डेटा क्या करता है, साथ के साथ बैकअप लेता है, ताकि आपका सिस्टम ब्रेक डाउन होने पर कोई लॉस ना हो। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है बेसिकली क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट यूजर बोलते हैं। क्लियर, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज फाइल ओनर। देखिए जैसे नाम ही इसका बता रहा है, फाइल ओनर। फाइल ओनर क्या होता है, द ओनर ऑफ अ फाइल, हु क्रिएट्स अ फाइल, मीन्स जो आपकी क्या क्रिएट करता है, फाइल को क्रिएट करता है, दैट इज योर फाइल ओनर। जिसने भी कोई फाइल क्रिएट करी है तो वो कौन होगा, ओनर ऑफ दैट फाइल। ही कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन, वो क्या कर सकता है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है ऑन दैट फाइल। जो उसने फाइल क्रिएट की है उस फाइल पर चाहे वो एडिट करे, चाहे कॉपी करे, डिलीट करे, उसको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कोई भी ऑपरेशन उन पर क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। सो दिस इज द वर्क ऑफ फाइल ओनर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रुप ओनर। देखिए ग्रुप ओनर, जैसे कि आपका नेम सजेस्ट कर रहा है, ग्रुप मीन्स एक जो ग्रुप होता है, ठीक है, उसका जो ओनर होगा, दैट इज योर ग्रुप ओनर। इसको मैं एक एग्जाम्पल समझा देती हूँ। सपोज आप किसी प्रोफेशनल एरिया में वर्क कर रहे हैं, वहां पर आपको कोई प्रोजेक्ट का काम दिया हुआ है और आपको क्या कर दिया है, एक टीम लीडर होता है वहां पर। टीम लीडर क्या करेगा, उसके अंदर में 10 वर्कर्स या फिर 10 मेंबर्स उसके अंदर में काम कर रहे हैं, वो क्या करेगा, उन सबको राइट्स देगा।
रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि आपको ये टास्क परफॉर्म करना है, ये टास्क परफॉर्म करना है, और एट द टाइम वो सारे टास्क परफॉर्म कर जो मेंबर्स होते हैं वो किसको देते हैं, टीम लीडर को। तो टीम लीडर होता है बेसिकली इज नोन एज द ग्रुप ओनर, कि वो क्या कर रहा है, एक तरीके से उस ग्रुप का ओनर है। हमने उसे एक नेम सजेस्ट कर दिया कि ये हमारा ग्रुप है, ए ग्रुप है, इस ग्रुप को हमने नेम सजेस्ट कर दिया है और इसमें 10 मेंबर है, तो उनमें हमने एक मेंबर को टीम बना दिया गया है, मतलब एक टीम लीडर बना दिया गया है जो उन सभी मेंबर्स के काम को चेक करेगा, उन सभी के मेंबर्स के काम को ये देखेगा कि मतलब किसका कितना टास्क हो चुका है, कितना रिमेनिंग है। तो ये सारा काम किसका होता है, आपका टीम लीडर का। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्रुप ओनर भी कहा जाता है। इसलिए मैंने बोल दिया था टीम लीडर इज सेट टू बी द ग्रुप ऑफ ओनर फॉर द फाइल, किसी भी फाइल के लिए जो हम एक मेंबर लोकेट करते हैं देखने के लिए, वो आपका क्या कहलाएगा, टीम लीडर। एक और एग्जांपल, जैसा आपका व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप पर हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं और उसमें एक एडमिन होता है, सेम वो क्या करता है, वो सारी चीजों को चेक करता है, सेम ऐसे आपका ग्रुप ओनर है। तो ग्रुप ओनर बेसिकली क्या करेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखेगा, आपके टास्क को देखेगा, आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कराएगा। तो डेट इज योर ग्रुप ओनर। आप इसमें ये सिंपल लैंग्वेज में है, इसको आप अपने टर्म्स में एग्जांपल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नाउ फाइनली फोर्थ वन, अदर यूजर्स। देखिए अदर यूजर्स मीन्स क्या होता है, जो अलग यूजर्स होते हैं, ऑल द यूजर्स ऑफ द सिस्टम हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ द टीम, मीन्स वो यूजर्स जो आपके किसके मेंबर्स नहीं है, टीम के मेंबर्स नहीं है, दे आर कॉल्ड अदर यूजर्स। मीन्स जो भी मैंने एग्जाम्पल बताया था, उस एग्जाम्पल में एक हमने ग्रुप बना लिया, सपोज 50 आपके हैं, 50 में से 40 हमारे ग्रुप के अंदर है, 10 हमारे रिमेनिंग है, तो वो 10 जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करते, जो हमने ग्रुप बनाया है टीम ग्रुप ओनर के लिए, दैट यूजर्स आर कॉल्ड अदर यूजर्स। तो इसलिए मैं लिखा ऑल द यूजर्स ऑफ सिस्टम हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ द टीम, जो आपके टीम के मेंबर्स नहीं है, आर रेफर टू एज अदर यूजर्स, उनको हम अदर यूजर्स बोलते हैं, फॉर द फाइल्स of that group. Other users are those who not belong to the particular group. जो किसी भी particular group से belong हमारे नहीं करते, that is your other users. Okay? तो ये आपके four तरीके के parts होते हैं, ठीक है, four parts होते हैं। चार तरीके की file बता दिया मैंने, system administrator, file owner, group owner and other users. ये चार part होते हैं, चारों को मैंने बता दिया है, ठीक है। एग्जाम में इनका शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, वो आप लिख दीजिएगा। अब इससे आगे का पॉइंट हम पढ़ते हैं, इसके फाइल्स के बारे में, इसकी डायरेक्टरी फाइल्स होती हैं, कितनी डायरेक्टरी फाइल्स होती हैं, बिन देव इसका पाथ पढ़ना है, डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी, अब उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए आगे कंप्यूटर फाइल्स एंड इट्स टाइप्स, मैंने ड्रॉ कर दिया है। मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, जो लिनक्स फाइल का जो हमारा स्ट्रक्चर है, हायरार्किकल है, वो बहुत ही ज्यादा इस तरीके से मैनेज किया गया है कि आप क्विकली अपनी फाइल्स को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए उसका पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपसे कहा था, आपके लिनक्स सिस्टम में एक मेन डायरेक्टरी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट डायरेक्टरी, एंड द डायरेक्टरी मस्ट कंटेन दी फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज, मीन्स एक डायरेक्टरी के अंदर आपकी क्या हो सकती है, फाइल्स भी हो सकती हैं और सब डायरेक्टरीज भी होती है, मीन्स आप अपनी डायरेक्टरीज को सब पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसा आपका फोल्डर होता है, फोल्डर में आपकी फाइल्स भी होती हैं और सब फोल्डर भी होता है, सेम ऐसी लिनक्स सिस्टम के अंदर हम इसको डायरेक्टरी बोलते हैं, डायरेक्टरी में आपकी फाइल्स भी होंगी और अदर सब डायरेक्टरीज भी होंगी, लेकिन आपका जो सारा डेटा है अंडर वन डिस्क पे स्टोर होता है, जिसमें आपकी थाउजेंड्स ऑफ फाइल क्या होती हैं, स्टोर होती हैं, एंड दैट इज योर रूट यूजर, मीन्स जो आपका रूट पार्ट है, इसमें आपकी सारी डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी जितनी भी स्टोर होंगी वो किसके अंदर स्टोर होंगी, रूट के अंदर, जो मैंने ऐसा रेक्टेंगल का सिंबल बनाया है, दैट इज योर रूट डायरेक्टरी, एंड रूट डायरेक्टरी इज फर्दर डिवाइडेड इंटू सब डायरेक्टरीज। देखिए इसमें रूट डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरी होती है, एक तो होता है बिन, ओके, ये स्लैश का साइन है, फॉरवर्ड स्लैश, बिन, देव, ईटीसी, होम, रूट एंड टेम्प, इन सब की अपने क्या है, अलग अलग फीचर्स हैं, इन सब में अलग अलग तरह की फाइल क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। देखिए जैसे मैंने बिन है, बिन के अंदर कौन से कमांड्स होंगी, ऑल द लिनक्स कमांड आर स्टोर्ड अंडर द बिन डायरेक्टरीज, मैंने आपको बताया था कि जो बिन है,
बिन के अंदर आपकी क्या होंगी, जितनी भी आपकी CLI बेस्ड कमांड्स होती हैं, जो भी आपकी कमांड होगी वो किसके अंदर स्टोर है आपकी, बिन के अंदर। मैंने आपको बताया था जो आपका लाइनेक्स फाइल सिस्टम है वो आपका CLI प्लस GUI दोनों बेस्ड है। जो आपका CLI है, CLI मीन्स कमांड लाइन इंटरप्रेटर, तो वो किसको एक्सेप्ट करेगा, आपकी कमांड को एक्सेप्ट करेगा। तो जो कमांड्स होंगी वो किस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होंगी, आपकी बिन डायरेक्टरी के अंदर। जैसे मैंने एक दो एग्जांपल दिए, CP कॉपी हुआ, PWIS NKDIR। अभी आपका नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें मैं आपको सारी कमांड्स बताऊंगी। ओके, फिलहाल आप कोई भी इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। ये मैंने फाइल बनाई है कि बिन के अंदर हमारी CP PWDIS NKDIR जो मेरा सर्कल है, दैट मीन्स दोज आर माई फाइल्स एंड स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप इज माई डायरेक्टरी फाइल। ओके, तो आप बिन के अंदर हमारी क्या होती है, जितनी भी CLI कमांड्स होती हैं वो किसके अंदर जाएंगी, आपकी बिन कमांड के अंदर। तो ये जो बिन कमांड है, बिन कमांड में याद रखिएगा आपकी CLI क्या होती हैं, कमांड्स होती हैं। उसके बाद देखिए, पहले मैंने आपको होम को बता देती हूँ। रूट के बाद हमारी एक डायरेक्टरी होती है, दैट इज योर होम। होम के अंदर क्या होता है, जो भी हम अपनी पर्सनल डायरेक्टरी बनाते हैं, कोई फाइल बनाते हैं, कोई फोल्डर बनाते हैं, ठीक, दैट इज योर होम। वो सब किसके अंदर जाएगा, आपके होम के अंदर। सपोज मैंने एक सिटी के नाम पर बना लिया, एक दिल्ली हो गया, मुंबई और आगरा, इन सब का मैंने बना लिया। एक मैंने होम के अंदर एक और सब डायरेक्टरी मैंने क्या कर दी, क्रिएट कर दी। तो एक मेरी दिल्ली हो गई, एक मेरी मुंबई और एक मेरी आगरा। ये मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब दिल्ली के अंदर मैंने क्या बना दिया, सब फाइल्स बना दी है, ठीक है। सपोज दिल्ली के अंदर देख लीजिए, मैंने नीचे कर दिया है, दिल्ली के अंदर मैंने एक फाइल बना दी ईस्ट, एक बना दिया वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके, तो ये क्या है, मेरी फाइल्स है। अब बात करते हैं पाथ की। जो हम पाथ डिवाइड करते हैं, पाथ को चेक करते हैं, वो हमेशा आपका स्लैश के थ्रू क्या होगा, सेपरेट होगा। आप जैसे गूगल पर देखते हो, जब आप नेट सर्फिंग करते हो तो आपको जो पाथ होता है, जैसे www.google.com का ऐसे स्लैश लगा होता है, डेट मीन्स वो आगे का लिंक बता रहा है, आपको आगे का पेज बता रहा है, जिससे वो पाथ आपका डिवाइड हो रहा है कि वो फाइल आपकी कहाँ स्टोर है। सपोज मेरे को ईस्ट वाली फाइल पर जाना है, ठीक है, मेरे को ईस्ट वाली फाइल पर जाना है, तो देखो मेरा पाथ कैसा आएगा, पहले रूट आएगा, रूट के बाद स्लैश लगाऊंगी, स्लैश के बाद क्या आ रहा है मेरा, होम, ठीक है, फिर स्लैश लगाऊंगी, होम के बाद क्या आ रहा है मेरा, दिल्ली, दिल्ली के बाद फिर मैंने एक पाथ बनाया और मेरे को कहां पर जाना है, ईस्ट पर, तो डेट इज माई पाथ, पाथ मीन्स रास्ता, ठीक है। मेरे को ईस्ट पे जाना है तो उसके लिए पाथ क्या होगा, तो मेरे को रूट से शुरू करना होगा, क्योंकि आपको पता है सारी फाइल्स, सारी डायरेक्टरीज, फाइल्स सब कहाँ स्टोर होती हैं, अंडर रूट डायरेक्टरी के अंदर, दैट इज योर मेन डायरेक्टरी। याद रखिएगा, रूट डायरेक्टरी इज योर मेन डायरेक्टरी, वेयर ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज सब डायरेक्टरीज आर स्टोर अंडर द रूट डायरेक्टरी। तो रूट डायरेक्टरी में से रूट पे गए, फिर होम आया, पाथ स्लैश से। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पाथ को सेपरेट किससे किया जाता है, तो फॉरवर्ड प्लस, ओके, स्लैश, उसके बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद ईस्ट। तो इस तरीके से ये आपका क्या होता है, पाथ होता है। हम इस तरीके से पाथ लिखते हैं कि आपको एक फाइल से दूसरे पर कहाँ जाना है। तो बिन हो गया, होम हो गया, उसके बाद आया देव। देव फाइल्स क्या होता है, सिंपली आपका रिलेटेड करता है दो टर्मिनल डिवाइसेस, जैसे आपकी हार्ड डिस्क हुआ, ठीक है, रैम हुई, उनकी जो डेटा स्टोरेज है वो कितनी है, तो उसके बारे में क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन देता है, उनके बारे में क्या बताता है, डिटेल बताता है। उसके बाद फिर आता है आपका एटसेट्रा फाइल, ETC। दिस डायरेक्टरी स्टोर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ़िगरेशन फाइल सच एज पासवर्ड फाइल। ओके, जो भी आपकी पासवर्ड फाइल होती है, दीज आर जनरली द एसेंशियल मिसनेलियस सिस्टम प्रोग्राम एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, मतलब जो वो फाइल जिस पर हम पासवर्ड क्रिएट वगैरह करते हैं, जो हमारी एक्स्ट्रा फाइल्स होती है, ETC समझ जाओ, एक्स्ट्रा फाइल्स। ओके, तो वो आपकी सारी किस में जाती है, ETC के अंदर। फिर होम में आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। फिर आता है आपका बूट, बूट आपको समझ गया होगा, लोडर, बूट से जैसे बूटिंग होती है ना, आपका सिस्टम बूट करता है, मैं थोड़ा टर्न कर देती हूँ। ओके, जो आपका बूट लोडर होता है, ठीक है, जब बूटिंग होती है आपकी, तो आपका कर्नल और शेल क्या होता है, लोड होता है। मैंने आपको बताया था कर्नल का मेन पार्ट कि वो जब आपका सिस्टम ऑन होता है तो कर्नल क्या करता है, लोड होता है, दैट इज योर लोडिंग मीन्स बूटिंग। तो बूट के अंदर क्या आएगा, आपका बूट लोडर, ठीक है, जो आपकी लोडिंग कराता है आपके सिस्टम की। उसके बाद आता है आपका ये टैम्प, टैम्प बोल सकते हैं, VAR भी बोल सकते हैं। दिस डायरेक्टरी हैज इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू द डिफरेंट यूटिलिटीज ऑफ लाइनेक्स, मीन्स लाइनेक्स के साथ आप कौन कौन सी यूटिलिटीज क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं।
तो वो किसके अंदर आता है आपका टेंथ के अंदर, आप इसे VARY भी बोल सकते हैं, मीन्स वेरिएबल। ठीक है, तो ये थी आपकी कंप्यूटर फाइल एंड इट्स टाइप, ये आपके मैंने आपको बता दिया है, आपको बेसिकली स्ट्रक्चर से समझ में आ गया होगा और जिसकी डेफिनेशन है, और अगर आपको इसे एक्सप्लेन करना है तो आप अपनी टर्म्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके दोनों टॉपिक मैंने कवर करा दिए हैं, और अब इसमें एक तो है आपका वर्किंग विद माउस। ठीक है, वो कुछ सिंपल, उसमें कुछ नहीं लिखना, सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, माउस क्या होता है, कितने बटन होते हैं, राइट क्लिक का क्या होता है, लेफ्ट क्लिक का क्या होता है, वो आप लिख लेंगे। ठीक है, और एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स तो यूज में नहीं आता, ये आपका मेन पार्ट है बेसिकली, ये मैंने फिनिश करा दिया है। अगर इसमें कोई और टॉपिक बचता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, और आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, और कोई भी अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड बाय।